अखिलेश यादव कानून व्यवस्था पर उठा रहल बाड़ने सवाल, कह रहल बाड़ने कि माफियाओं के सूची काहे नाही जारी कर रहल बाटे योगी सरकार। नमस्कार, हम कंचन मिश्रा रउआ लोगन के स्वागत कर रहल बाड़नी ई इंडिया न्यूज में। अब जानी खबर विस्तार से। अखिलेश यादव बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सबके ध्यान केंद्रित करवाते हुए कहल बाटे कि उत्तर प्रदेश में अपराध भयंकर रूप ले जात रहल बा। अखिलेश यादव सवाल उठावत कहने हैं कि प्रदेश में बेखौफ अपराधियों के आशीर्वाद कहां से मिल रहल बा। साथ ही राज्यपाल पर भी आरोप लगावत कहने हैं कि वो लोग खामोश काहे बाटे, और कहा कि उत्तर प्रदेश के जनता के सुरक्षा भगवान भरोसे बा। और अखिलेश यादव सवाल कहना है कि ऐसन माहौल में राज्यपाल चुप्पी काहे साथ लहले बाटे। अपराधियों के डर के चलते प्रदेश भर में डर के माहौल बुरी तरह फैल गईल बा। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहल बाटे। योगी सरकार बयानबाजी और जांच के थोथी घोषणाओं के बावजूद कुर्सी के प्रतिष्ठा बचावे में असफल बाटे। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कहने हैं कि यूपी में सरकार नहीं गुंडन के राज हो गईल बा और ना ही कोरोना पर काबू पाई जा सकल बा। भाजपा के विकास मंडल झूठा है, भाजपा जनता को लूटा है, भाजपा और अत्याचार अपने चरम पर है, और पूछना है कि प्रदेश के युवाओं के कब मिली रोजगार। अखिलेश यादव मंगलवार के समाज सुधारक एवं विचारक महात्मा ज्योतिबा राव फूले के पुष्पांजलि भी अर्पित करनी है और कहनी है कि ज्योतिबा फूले जी गरीबों, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं में जागरूकता लावे के खातिर अपन पूरा जीवन समर्पित कर दीन हैं। ज्योतिबा फूले स्त्रियों के शिक्षित करे के खातिर विशेष भूमिका निभाई हैं। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही अपने क्षेत्रीय भाषा में न्यूज सुने और देखे खातिर बनल रहें ई इंडिया न्यूज के साथ। तब तक के लिए रउआ लोग दें इजाजत। धन्यवाद।